दिवाली का टाइम है, दिवाली से रिलेटेड एक सेगमेंट है मेरे पास आपके लिए। कौन है घर में बॉम्ब? बॉम्ब बॉम्ब किस हिसाब से? ऐश्वर्य फटकती जाती है। नो आई थिंक अगर आप लाउडनेस से पटाखे की बात कर रहे हो फिर तो आवा ऐश्वर्या ही है, क्योंकि वो इतना फटती है कि जैसे नॉइस पोल्यूशन में कान बंद करने मन करता है, ऐसे ऐश्वर्या की बातों में मन करता है बंद कर दो कान। ऐश्वर्या, सो इन दैट सिनेरियो इन दैट सेंस, हु इज अ फुस्की बॉम्ब? अनुराग एंड अरुण। अरुण तो टोटल फुस्की है, बातें बड़ी बड़ी, मैं ये करूंगा, वो बाहर होता तो मैं ऐसे करता, तो मैं वैसे करता, तो मैं वैसे करता, लेकिन वो लेटे सिर्फ अपने बेड पे लेटा हुआ दिखता है और कुछ करता हुआ नहीं दिखता, तो आई डोंट नो वो क्या क्या करता है बाहर। गॉड नोस। चक्री ईशा हो सकती है, चक्री इधर से उधर घूम रही है सब जगह पे अपने आप को दिखाने के लिए, सो आई थिंक शी इज गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज रकस एंड हर बिना वजह भी अपनी ओपिनियंस दे रही है, तो वो हर जगह दिख रही है। अनार अनार आई थिंक मैं मुनव्वर को बोलूंगी, क्योंकि अनार बड़ा ब्यूटीफुल क्रैकर है, दिखने में बहुत सुंदर भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, यू ऑलवेज वांट टू हैव अनार विद यू। अनार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रैकर इन योर क्रैकर बॉक्स, सबसे सुंदर भी लगता है, सबसे अच्छा भी लगता है, ज्यादा किसी को तकलीफ भी नहीं देता और सब चाहते हैं कि वो हमारे पास हो। सो मुनव्वर इज एग्जैक्टली लाइक दिस, किसी को तकलीफ नहीं देता, एवरीबॉडी वांट्स मुन्ना टू बी नेक्स्ट टू देम, सो ही इज एन अनार। दैट स्पार्कल, दैट स्पार्कल, यस स्पार्कल, द फुल जर्नी, या सो फुलझड़ी तो मैं अपनी बहन को ही बोलूंगी, पंजाबी फुलझड़ी है वो, शी इज वेरी नाइस, शी विल शी स्पार्क्स एंड शी विल स्पार्कल ऑल्सो, दोनों महीने में वो ग्लिटर भी करेगी एंड जहां उसको स्पार्क लगाना है वो स्पार्क भी लगाएगी, सो आई थिंक शी इज फुलझड़ी। काफ़ी बातें आपने रिंकू मैम की हमें बताई, उनकी इक्वेशंस किसके साथ रहना चाहिए। लास्टली जानना चाहूँगी जो फैंस जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं रिंकू मैम पे, ऑडियंस जो उनको पसंद कर रही है, उनके लिए क्या कहना है विद रिगार्ड रिंकू मैम्स के? सो सारी ऑडियंस सारी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव रिस्पेक्ट योर बेस्ट विशेज, और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप रिंकू के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी हिम्मत कभी मत खोना, रिंकू आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी। आपने रिंकू को बहुत सारे अलग अलग रूप में एज अ कैरेक्टर देखा है, बट ये रिंकू का रियल सेल्फ है, और हम चाहेंगे जैसे आपने रिंकू को एज एन एक्टर पसंद किया है, ऐसे एज अ रियल पर्सन भी उतना ही प्यार दे। मैम एज अ मदर डू यू वांट टू गिव एनी स्पेशल मैसेज? लव माय चाइल्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।